गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू अवर टुडेज लाइब्रेरी पीरियड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अनादर स्टोरी द नेम ऑफ द स्टोरी इज हाफ द रिवॉर्ड हाफ मतलब आधा एंड रिवॉर्ड मतलब इनाम हाफ द रिवॉर्ड दिस इज द नेम ऑफ द स्टोरी नाउ लेट एस सी द स्टोरी अ किंग वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड फीस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे एक राजा था उसकी छोटी सी एक बेटी थी वो राजा ने उसके बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी शाही दावत का ग्रैंड फीस्ट मतलब शाही दावत शाही दावत का आयोजन किया था मैनी प्रिपरेशन्स वेर बींग मेड वो दावत के लिए बहुत सारी तैयारियाँ चालू थीं जस्ट थ्री डेज बिफोर द फीसट द रॉयल शेफ गेव अ डिसअपॉइंटिंग अपडेट टू द किंग अभी वो जो फीस थी दावत थी उसको सिर्फ तीन दिन बाकी थे तो जो रॉयल शेफ था रॉयल शेफ मतलब उसका राजा का मेन कुक शाही कुक तो रॉयल शेफ ने राजा को एक डिसअपॉइंटेड अपडेट डिसअपॉइंटिंग अपडेट मतलब एक ऐसी बात बताई जो नाराज़ होने वाली बात थी वो क्या बात थी वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पाइनएपल्स द रॉयल शेफ सेड आई सजेस्ट वी रिमूव पाइनएपल्स फ्रॉम द मेन्यू वो शेफ ने बोला कि अपन आ, जो दावत है उसके लिए जो पाइनएप्पल की डिश बनानी है उसके लिए अपने को पाइनएप्पल कम पड़ रहे हैं तो मेरा यह सजेशन है कि वो जो मेन्यू बनाया है भोजन सूची बनाई है उसमें से ये पाइनएप्पल अपन कट कर देंगे ऐसा उसने शेफ ने राजा को बोला यू नो द लिटिल प्रिंसेस लवस पाइनएपल्स शी विल बी डिसअपॉइंटेड सेट द एंशियस किंग ही थॉट ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल राजा ने बोला कि तुमको पता है लिटिल प्रिंसेस जो है उसको सबसे ज्यादा पाइन पसंद है अगर पाइनएपल की डिश अपन निकाल देंगे तो वो नाराज हो जाएगी उसमें नहीं रखेंगे तो तो राजा ने फिर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा दैट इवनिंग ही मेड एन अनाउंसमेंट आई नीड थाउजेंड पाइनएपल्स विद इन टू डेज हु एवर ब्रिंग देम शैल बी रिवॉर्डेड राजा ने फिर थोड़ी देर बाद सोचा और फिर उसने एक अनाउंसमेंट की कि मुझे दो दिन के अंदर अंदर थाउजेंड पाइन चाहिए और जो भी वो पाइन लाएगा उसको मैं अच्छा सा इनाम दूंगा सुन द न्यूज वॉज अनाउंस टू द पब्लिक द वर्ड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अभी जो अनाउंसमेंट थी वो पूरी पब्लिक में आग की तरफ फैल गई ऑल द पाइनएपल ग्रोअर्स बिगेन चेकिंग देयर स्टॉक टू सी इफ दे कुवर थाउजेंड पाइनएपल्स अब जो पाइनएप्पल ग्रोअर थे जिनके पास पाइनएप्पल थे वो सब अपना अपना स्टॉक चेक करने लगे कि क्या उनके पास थाउजेंड पाइनएप्पल है क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी थी तो सब अपना अपना स्टॉक चेक करने लगे द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन केम टू द रॉयल पैलेस विथ अ कार्ट फुल ऑफ थाउजेंड पाइन एपल्स द गार्ड स्टॉप हिम एट द गेट्स अगले ही दिन सुबह एक आदमी अपनी गाड़ी में पूरे थाउजेंड पाइनएप्पल भर के राजमहल की तरफ आया गेट पे आया तो गेट पे जो गार्ड था वो गार्ड ने उसको बीच में रोक लिया आई विल लेट यू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ द रिवॉर्ड यू गेट सेट द गार्ड द मैन एग्रीड टू द कंडीशन गार्ड ने वो आदमी को बोला कि मैं तुमको अंदर जाने दूंगा किंग से मिलने दूंगा लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन है तो क्या कंडीशन थी कि तुमको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है इनाम मिलने वाला है उसमें से आधा इनाम मुझे देना पड़ेगा तो जो मैन था उसने कबूल कर लिया कि ठीक है मैं मेरा आधा इनाम आपको दूंगा द किंग वॉज प्लीज एंड रिलीव टू सी थाउजेंड पाइनएप्पल्स द रॉयल शेफ काउंटेड देम टू अब ये जो राजा था उसको पता चला कि थाउजेंड पाइनएप्पल राजमहल में आ गए हैं एक आदमी लेके आया है तो राजा एकदम रिलैक्स हो गया उसको बहुत खुशी हुई और जो रॉयल शेफ था उसने पूरे पाइन काउंट कर लिए द किंग विश टू रिवॉर्ड द मैन आई वॉन्ट टू बी इम्प्रजेंट फॉर अ ईयर सेड द मैन अब राजा जो था राजा बोला कि वो आदमी को मैं अच्छा इनाम दूंगा क्योंकि उसने थाउजेंड पाइनएपल लाया है इसलिए मैं उसको अच्छे से इनाम दूंगा। तो राजा ने पूछा कि तुमको क्या इनाम चाहिए तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तो वो आदमी बोला कि मुझे इम्प्रजेंट मतलब एक साल की जेल चाहिए इम्प्रजेंट फॉर अ ईयर मतलब एक साल की जेल चाहिए मुझे ऐसे वो आदमी ने राजा को बोला बिफोर यू लॉक मी इम्प्रिजन द गार्ड ही लेट मी इन ऑन द कंडीशन दैट आई विड गिव हिम हाफ माई रिवॉर्ड द मैन कंटिन्यूड वो आदमी ने बोला कि मुझे लॉक करने से पहले मुझे जेल में डालने से पहले तुमको गार्ड को जेल में डालना पड़ेगा क्यों क्योंकि उसने ऐसी कंडीशन डाली की थी कि जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इनाम मिलेगा उसमें से आधा मैं उसको दूंगा। तो मुझे एक साल के लिए अगर जेल हो गई तो उसको भी जेल में जाना पड़ेगा The king understood the matter. He sent a messenger to get the guard. The happy guard thought it was time for the reward. अब राजा को बात समझ में आ गई तो राजा ने guard को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा अब guard को लगा अरे वाह अपने को इनाम मिलने वाला है इसलिए राजा ने बुलाया है वो बहुत खुश हो गया the guard. द गार्ड वॉज पुट इन जेल एवरीबडी अपलोडेड द man's wit एंड द किंग्स डिसीजन जैसे ही गार्ड आया अंदर राजा ने बोला इसको जेल में डाल दो और सब राजा के निर्णय की तारीफ करने लगे और वो जो आदमी था उसका उसका जो चातुर्य था उसकी सब ने बहुत सराहना की द मैन वॉज पेड इन फुल फॉर द पाइन एपल्स टू डेज लेटर ही अटेंडेड द रॉयल फिस्ट एज वेल वो जो आदमी था उसको उसके पाइनएपल का पूरा पूरा मुबदला राजा ने दिया और अच्छा इनाम दिया उसको और दो दिन बाद जो फीस थी ग्रैंड फीस दावत थी उसके लिए उसको राजा ने इनवाइट किया ऐसी ये स्टोरी है नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड इज़ बैड लालच बुरी बला है ग्रीडी आर नेवर सेटिस्फाइड जो ग्रीडी पर्सन रहते हैं लालची लोग रहते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते जैसे वो गार्ड था गार्ड अपने ड्यूटी में अगर संतुष्ट रहता तो उसको जेल नहीं जाना पड़ता लेकिन उसके मन में लालच आ गया तो इसलिए उसको उसकी सज़ा मिल गई सो so, कभी भी लालची नहीं रहना चाहिए समझ में आई है स्टोरी डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ओके थैंक यू